कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। बियर शॉप के बाहर अंधाधुंध फायरिंग करने के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके दो साथी अभी पुलिस पकड़ से बाहर हैं। बुधवार की सुबह इन आरोपियों ने करीब 12 गोलियां सेल्समैन की कार पर फायर की थी। गोली लगने से घायल सेल्समैन को सुभारती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। प्रतापपुर पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है उसका नाम आशु बंसला है, वह रिठानी का रहने वाला है। बुधवार को दिल्ली देहरादून बाईपास पर डुंगरावली गांव के पास यह घटना हुई थी। सेल्समैन का नाम मोनिंदर सिंह उर्फ मोनू है और वह हसनपुर काला गांव का रहने वाला है। पीड़ित मोनिंदर ने प्रदीप बंसला, आशु बंसला व एक अज्ञात निवासी रिठानी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस बारे में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने यह जानकारी दी। देखिए, कल दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास थाना प्रतापपुर पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति अमानवेंद्र जो सेल्समैन का काम करता है उसको 3 व्यक्तियों द्वारा गोली मारी गई। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जो घायल था उसको चार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उसके हाथ पर गोली लगी थी। डॉक्टर्स ने उसको सेफ बताया कि अभी उसकी हालत सेफ कंडीशन से। इसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया तथा दो की तलाश जारी, उसको भी जल्द गिरफ्तार किया गया। फायरिंग की वजह क्या बताई गई? इसमें जो आशु है और मानवेंद्र दोनों ही सेल्समैन का काम करते हैं, इनकी पहले से आपसी रंजिश थी। कल ये जब जा रहे थे रास्ते में तो उनके रास्ते में आपस में इनकी कुछ बहस हुई है, बहस को लेकर इसमें इसके ऊपर गोली चलाई गई है। इसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया तथा दो लोगों को जल्दी गिरफ्तार किया। इसमें एक गाड़ी, इस पर कई करीब 10 से 12 राउंड फायरिंग की गई है, इसमें जो अभी प्रथम दृष्टि सामने आया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।